हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई मिस्टर गोविंदा पंपापुर यूट्यूब चैनल से दोस्तों बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों को आज हम अपनी बीती हुई कहानी दोस्तों बताना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर रोज़ मैं वीडियो बनाता था दोस्तों, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई है हमारे ग्राम सभा में। दोस्तों, 3-4 दिन से लाइट कटी हुई है, आप लोगों ने हड़ताल चल रही थी, आप लोगों ने पेपर में दोस्तों पढ़ा होगा, सुना भी होगा, इसीलिए वीडियो दोस्तों नहीं बना सके हम आप लोगों को। दोस्तों, हम जानकारी नहीं दे सके, इसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अब तक हमने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, और हमारा जीवन दोस्तों कैसा था। दोस्तों, आप लोगों को मैं अपनी आत्मा कथा बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे परिवार में हमारे मम्मी पापा, आजी बाबा, और दोस्तों मैं, कुल हमारे परिवार में दोस्तों 5 लोग दोस्तों थे, 5 लोगों का दोस्तों परिवार था। दोस्तों, जब मेरा जन्म हुआ था दोस्तों, तो टोला पड़ोस के लोग बाग बताते हैं दोस्तों, या मेरे परिवार के कुछ लोग बताते हैं कि मैं 1.5 साल का था तो मेरी माता जो थी, उन्होंने दूसरी के यहाँ चली गई थी, यानी दूसरा पति उन्होंने कर लिया था, तो उन्हीं के गम में हमारे पिताजी ख़त्म हो गए थे। दोस्तों, जब हमारे पिताजी ख़त्म हो गए थे तो मैं अनाथ हो गए थे दोस्तों, तो हमारे आजी बाबा ने हमको सेवा पाला, कुछ दिन परवरिश की, कुछ दिन बीता, लमसम 1.5 साल तो मेरी मैं 1.5 साल का था, तब मेरे आजी बाबा ने हमको पाला पोसा, उन्हीं के साथ में रहते थे। दोस्तों, लमसम 1.5 साल बीतने के बाद मेरी आजी भी ख़त्म हो गई। जब आजी मेरी ख़त्म हो गई तो मेरे भी केवल बाबा बचे हैं, तो बाबा ने हमको सेव पाल के बड़ा किया, जबकि मेरे बाबा जी इटावा के रहने वाले थे, इटावा शिव नारायण की मड़ैया पुनारा राम लीला, उन्होंने हमको दोस्तों सेवा पाला। जब हमको छोड़ के दोस्तों चले जाते थे, तब मैं गांव भर, मैं कुछ सयाना जब दोस्तों हो गया, कुछ समझदार हो गया, तो दोस्तों मैं गांव में जो कुछ लोगों की भैंस हुआ करती थी, बकरी हुआ करती थी, और गैया होती थी दोस्तों, मैं उनको चराने जाता था दोस्तों, तो 30 रुपये हमको मिलता था दोस्तों, 30 रुपये दोस्तों मिलता था, तो कुछ दिन खाना पीना दोस्तों देते थे, क्योंकि मेरे घर में कोई था नहीं, मैं 30 रुपया भी मिलता था, खाना मिलता था, तो मैं सबके हरा दोस्तों चराता था, जानवर दोस्तों मैं चरा रहा था। तो कुछ दिन बीता दोस्तों, लमसम हम 10-12 साल के जब हो गए, तो इधर उधर काम धंधा करने के बाद कुछ पैसा मेरे पास आया, तो दोस्तों मैंने सोचा कि सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, लाम भी थोड़ा बहुत पढ़ लें, तो दोस्तों कुछ लोगों ने, जो बच्चे जा रहे थे तो उनके साथ में हम भी जाने लगे। तो स्कूल एक पड़ता है रायबरेली ज़िले में, सावित्रीबाई फूले आदर्श विद्यालय धमधमा रायबरेली, ये दोस्तों रायबरेली में पड़ता है, तो वहाँ हमने अपना नाम एडमिशन यानी कराया, वहाँ दोस्तों पढ़ने जाते थे सभी लोगों साथ ही, तो वहाँ तक मैं पढ़ने जाता था दोस्तों, तो वहाँ दोस्तों कक्षा 8 तक दोस्तों हमने वहाँ पढ़ा, और पढ़ने के बाद दोस्तों फीस का पैसा जो होता था, तो हमें बाबा जब इटावा से आते थे दोस्तों, वो दे के चले जाते थे, और जब इटाया से आते थे दोस्तों, तो 2-4 दिन 10 दिन रहते थे, फिर चले जाते थे टोला पड़ोस में, दोस्तों बता देते थे कि हमें नाती का दोस्तों ख्याल रखना, चले जाते थे दोस्तों। तो कुछ दिन होते करते बीता दोस्तों, तो गाँव में हमारे दोस्तों एक नौटंकी, जिनका नाम बनवारी लाल था, नौटंकी शुरू किया उन्होंने, तो
तो हम लोग गांव भर के उसमें जुट गए। कुछ आता जाता नहीं था दोस्तों, लेकिन सब लोग सीख रहे थे तो हम भी वहां पहुंच गए। तो हमने तखत वखत लगवाने लगे दोस्तों। दोस्तों जब गांव में नौटंकी शुरुआत हुई तो हमने कहा हमको भी बना दिया जाए, हम भी कला की इच्छुक है, यही नौटंकी हम भी नाचेंगे। जबकि मैं पढ़ने जाता था दोस्तों, लेकिन हमारे घर में कोई नहीं था, तो दोस्तों हमको बना दिया गया। एक दो दिन बने, जबकि गांव की ही नौटंकी थी, सब लोग वहां सीख रहे थे। जो बनवारी लाल थे वो थोड़ा हसमुख टाइप था, तो गांव भर के लड़के सभी लोग उसमें प्रोग्राम करने लगे दोस्तों। तो दो चार दिन दोस्तों हमने किया, तो गांव में एक दो दिन हमको लेडीज़ भी बना दिया गया, यानी जो लेडीज़ की भूमिका निभाते हैं जिसको कहते हैं जनाना, तो एक दो दिन उसको किया। फिर एक लोग और आए, कहने इसको जो ये जो है गोविंदा, इसको जोकड़ बनाइए, जोकड़ी में अच्छा रहेगा। तो दोस्तों शुरुआत में हमने जोकड़ाई अपने गांव से शुरू की, जो हमसे बनता था लोग बाग बताते थे ऐसा ऐसा बोलो, तुम दोस्तों बोलते थे। तो दोस्तों हमको बीस रुपये पहल दिन हमको दोस्तों मिला, 10 या 15 रुपये का। आज से मान लो 15-16 साल पहले 15-20 रुपये का बहुत महत्व था, पाने लगे दोस्तों। दोस्तों मैं नौटंकी में जब प्रोग्राम करने लगा तो हमारे गांव के बगल में एक गुरुजी थे, उनका नाम था, नाम तो उनका दोस्तों ठीक से याद नहीं, लेकिन उनको झब्बन बाबा गोस्वामी के नाम से जानते थे दोस्तों। उनकी भी उनकी उन्होंने कहा मैं नौटंकी खोलूँगा, उनकी नौटंकी में दोस्तों मैं जाने लगा। तो उनके उनके साथ में कम से कम मैं साल भर दोस्तों रहा, 40 रुपये दोस्तों हमको मिलता था पति बयाना। तो कुछ साल भर जब बीतने के बाद तो एक बगल में हमारे ग्राम सभा में पढ़ते हैं राम बहोरे नेताजी, जबकि वो सीएल चौरसिया की नौटंकी में रहते थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा गोविंदा तो मेरे साथ में चला करो, तुम्हारे पिताजी जी भी नहीं हैं, ख़त्म हो गए हैं, और तुम्हारी आजी भी ख़त्म हो गई हैं, बाबा आपके घर पे रहते नहीं हैं, वहाँ चलोगे खाना भी मिलेगा, और घर से आओ तो मेरे घर में भी खा लिया करो, लगातार यह शुरू तो वहीं पड़े रहा करेंगे, और घर से खाना वाना खा के चला के जाएगा दोस्तों। तभी मोटरसाइकिल का कम रिवाज था, पिकअप का कम रिवाज था, हम तांगा सामान दोस्तों जाता था। जो सीएल चौरसिया थे, जो उनके यहाँ हम जाते थे दोस्तों, राम बहोरे नेता जी हमको ले जाते थे, जबकि वो राम बहोरे नेता जी भगवतीपुर के थे, उनके साथ में जाने लगा। उनके जो नेता जी हमारे हैं राम बहोरे नेता, उनके साथ कम से कम हम दो साल तीन रहे दोस्तों। तो धीरे धीरे दोस्तों हमको लोग बाग चीनने लगे, लाइक भी करने लगे कि ये लड़का ठीक अच्छा बोलता है। उनके साथ दोस्तों जाते आते थे। तो होते करते कुछ दिन बीता, तो एक दिन हमारी मुलाकात हो गई अशोक मौर्या, जो कि ये मालिंगपुरवा ऊंचाहार में पड़ता है, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा गोविंदा यहाँ तुम कितने पैसा पाते हो? हमने कहा 30-40 रुपये मिल जाते हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा आपको हम बढ़ा के देंगे, तो वो भी हमको बुलाए। पहले दिन जब हमको बुलाया उन्होंने तो दोस्तों 100 रुपया दिया। जब दोस्तों 100 रुपया दिया तो उनके साथ में गए हम, जबकि मालिंगपुरवा के नाम की नौटंकी चलती थी दोस्तों। मालिंगपुरवा ये ऊंचाहार में पड़ता है दोस्तों। तो उनके साथ कम से कम हम रहे 4 या 5 साल दोस्तों रहे, और जबकि टेम्पो से आते जाते रहते थे दोस्तों। अब दोस्तों वहाँ हमको 150 रुपये मालिंगपुरवा में दोस्तों मिलता था। तो बयाना बीच में नहीं था, तो हम एक हमारे साथ में जाते थे, जो हमको तुम सोचे घर चले जाएं, घर आए। तो दोस्तों हमारे ग्राम सभा के बगल में एक पड़ता है खजूरी अंबारा। तो खजूरी में होली दोस्तों, होली का प्रोग्राम था, और प्रोग्राम होली का था, उसी उपलक्ष्य में होली के त्यौहार में पंपापुर की नौटंकी वहाँ मंगाई गई थी राम कुमार वर्मा जी की। तो बहुत पुरानी नौटंकी है, पहले भी मशहूर थी दोस्तों, अब भी मशहूर है, 30-35 साल पुरानी दोस्तों ये पंपापुर नौटंकी है दोस्तों। तो पंपापुर नौटंकी हमने कहा आज लाओ हम भी देखे आए, और छोटे भी थे लेकिन दोस्तों उतनी दिमाग नहीं था, तो हम सबसे मिलने होली गए। तो वहाँ पंपापुर नौटंकी प्रोग्राम दोस्तों रखा गया था,
खजरी गांव में। तो अचानक हमारी मुलाकात माननीय हमारे सबश्री परमादरणीय श्री सम्मानित राम कुमार वर्मा ग्राम पंपापुर, इनसे मुलाकात खजरी गांव में हुई। इनका स्टेटमेंट लगा हुआ था दोस्तों, तभी दोस्तों पाइप वाइप नहीं चलता था, बांस वगैरह चलता था, वही बांस गड़बड़ के एकदम फिट हो गया। तो हम पहुंच गए, तो जबकि इनके कलाकार पूरे थे तो मुलाकात हुई। कंपनी मालिक से पाँव छुआ तो कंपनी मालिक जी ने कहा, एक दो जने और ने कहा भाई गोविंदक बना दीजिएगा। तो कंपनी मालिक जी ने कहा हमारे यहाँ तो आदमी सब फिट हैं, इसको कैसे। तो कहने यार इसको एडजस्ट कर लो, जो देना हो दे देना। तो रात में खजूरी गांव में जब लगी दोस्तों, और जबकि ये बात दोस्तों कम से कम 15-16 साल पुरानी है, तो वहाँ दोस्तों गए तो हमने रात भर काम किया दोस्तों, जो हमसे नेक नकारा बना। तो जब सवेरे नौटंकी प्रोग्राम समाप्त हो गया दोस्तों, सब लोग अपने अपने घर जाने लगे दोस्तों, तो हमने कहा हम भी अपने घर चले जाएं। एक बोरिया का बैग, बोरिया का झोला बना था, उसी में कपड़ा रखे थे दोस्तों। तो कंपनी मालिक जी ने कहा हम भैया जा रहे हैं घर है। तो कंपनी मालिक जी ने कहा, तो जेब में दोस्तों कंपनी मालिक जी ने राम कुमार वर्मा जी ने हाथ डाला, तो दोस्तों हमको 10 रुपया उन्होंने दिया। कहीं जाओ बच्चा घर चले जाओ, या कि म्याड़ है सीधा चले जाओ। तो दोस्तों मोटरसाइकिल तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन साइकिल भी हमारे पास नहीं थी। तो दोस्तों हम 10 रुपया पाए, पैदल नहर पकड़ के सीधा अपने गांव आ गए, शंकर बकस के पुरवा। बड़े खुशी हुई कि चलो 10 रुपया हमको दिया गया। दोस्तों मैं जब घर आ गया दोस्तों, जबकि मैं मालिन के पुरवा में जो अशोक मौर्या जी हैं जो कंपनी खोले हैं, उन्होंने तुमको जो बयाना होता था 150 रुपये देते थे, लेकिन एक दिन जब पंपापुर में आए तो राम कुमार वर्मा जी ने हमको केवल 10 रुपये दिया। 10 रुपया दिया दोस्तों, जबकि हम 150 रुपये वहाँ पाते थे मालिंगपुरवा में। और पंपापुर के नौटंकी में शुरू में हमको राम कुमार वर्मा जी ने 10 रुपया दिया। तो मैंने मेरे मन में ख्याल आया कि ये पास पड़ोस की यहाँ गांव के बगल की हमारे नौटंकी टीम नौटंकी चलती है, हम वहाँ मालिंगपुरवा ऊँचा हर जाते थे, दूरी साधन से जाते आते रहते हैं, ये पास पड़ोस के रहेगी इसी में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक दिन जबकि मेरे बाबा जी, एक दिन बाबा से मुलाकात करने की बाबा जी ने कहा, तो एक दिन बाबा जी ने मेरे समझाया गोविंदा ये नौटंकी वोटंकी का प्रोग्राम ख़त्म कर दो, और तुम मेरे साथ में चलो इटावा, वहाँ तुमको एक ठेलिया खरीद देंगे, प्याज हो गया, मिर्चा हो गया, धनिया हो गया, गोभी हो गया, ककड़ी हो गया, सब बेचा करो और हमारे साथ में तुम वहाँ रहा करो, जब तुम्हारा दिल कहेगा यहाँ घुमा फिरा के फिर लौटा लाएंगे। बाबा जी दोस्तों हमारे कहने लगे कि तुम्हें ना मम्मी है, मम्मी तो अंत चली गई थी हमारी, पापा हमारे ख़त्म ही हो गए थे, आज भी मेरी ख़त्म हो गई थी। तो बाबा हमको इतना मानते थे, इतना माया करते थे कि बाबा हमारे 24 घंटा सोचते थे कि मेरा नाती गोविंदा 24 घंटा मेरे साथ में रहे। तो बाबा जी ने कहा मेरे साथ मिटावा चलोगे, तो दोस्तों हमने बाबा जी की बात हमने ठुकरा दी, हमने बाबा जी से कहा हम यहीं पे रहेंगे घर पे, अब थोड़ा मैं समझदार हो चुका हूँ और बाबा तुम अपना ख्याल रख लूँगा, तुम अपना ख्याल रखना और आप इटावा जाइए, मैं इधर घर पे रहूँगा। दोस्तों एक दिन मैं अपने घर की तरफ से जा रहा था धमधमा चौराहे की तरफ, तो हमारे ग्राम सभा में आता है खरगमनपुर, जो आपने देखा होगा जो पंपापुर सुपर ही नौटंकी में मैनेजर हैं, जिनका नाम है श्याम सुंदर गोस्वामी, खरगवनपुर पोस्ट सुदाऊपुर लगता है जनपद रायबरेली। तो उनसे मुलाकात हुई, तो हमारे जो हमें गांव की तरफ गुजरते तो सभी लोग कहते थे गुरुजी पाएं लगी, गुरुजी पाएं लगी। एक दिन हमने मिला तो हम, जबकि ये जो पंपापुर नौटंकी में श्याम सुंदर गोस्वामी जो अब मैनेजर साहब हैं, अब जो यहाँ सेनापति करते हैं, पहले ये हीरो करते थे, पहले हीरो करते थे, जो नौटंकी चलती है राम अधीन मौर्या की भगवानपुर बढ़िया, उसमें हीरो की भूमिका निभाते थे दोस्तों। इनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा चाचा हमको भी ले चला करो, तो इन्होंने कहा गोविंदा तुम मेरे साथ में मत चलो, हमें इतने लगातार बयाना होते हैं, हम लोग साइकिल से जाते तुम जाग नहीं पाओगे, ये है वो है कहने लगे। तो एक दिन मैं इनके दरवाजे पहुंच गया,
तो इनकी जो माता श्री थी उनके पाँव छुआ, इनकी जो मम्मी थी हमारे मैनेजर साहब की यानी श्याम सुंदर गोस्वामी जी की माता जी थी, हमको बहुत मानती थी। तो उन्होंने इनको कहा, अरे लड़का आए एक अल्लाह ही जावा करो, परोस के रहा है, साथ में चला जाई। चला आई, जाग ले, सब लोग कहने लगे। तो मैं जो श्याम सुंदर गोस्वामी जो खरगोनपुर के हैं, उन्होंने अपनी माता जी की बात ठुकराया नहीं, उन्होंने मान लिया। कहने लगे, गोविंदा तुमको हम अब भगवानपुर बढ़िया नौटंकी में ले चलेंगे। तो कुछ दिन उनके साथ में दोस्तों था, मैं उन्हीं के साथ जाने लगा। तो धीरे धीरे हौसला बढ़ गया, धीरे धीरे पैसा बढ़ा, लोग वाक चीनने लगे, पहनने का कपड़ा, पहनने का ढंग, बोलने बतनाने का ढंग, खाने पीने का ढंग, दोस्तों मैं वहीं से प्राप्त किया हूँ। कुछ दिन दोस्तों फिर मैं भगवानपुर बढ़िया में था, वहाँ था दोस्तों, फिर मैं यहाँ चला आया हूँ। दोस्तों होते करते कुछ दिन बीता, जो हमारे श्याम सुंदर गोस्वामी जी हैं जो हीरो करते थे, तो आ गए ये पंपापुर में। जब दोस्तों ये पंपापुर में आ गए, तो मान्य हमारे सबसे परामादनी श्री सम्मानित राम कुमार वर्मा जी जो हैं, इनके नाम नौटंकी थी। तो जो हमारे श्याम सुंदर जी हैं, कुछ दिन यहाँ काम किया, तो कुछ दिन काम किया तो हमारे कंपनी मालिक जो राम कुमार वर्मा जी हैं, तो मालिक हैं, तो इनको मैनेजर के यहाँ पदवी दे दिया गया। बोर्ड में नाम लिख दिया गया, श्याम सुंदर गोस्वामी मैनेजर साहब खरगोनपुर, इनकी पदवी दे दिया गया। तो होते करते कुछ दिन दोस्तों बीता, तो एक दिन हमारी मुलाकात जो राम कुमार वर्मा जी हैं कंपनी मालिक, इनके जो बड़े पुत्र हैं जो इस समय पंपापुर नौटंकी में संचालक हैं, जो उनके बड़े बेटे हैं मान्य हमारे सबसे परमादनीय श्री सम्मानित हरी शंकर वर्मा जी, जबकि मौके के प्रधान हैं और पोस्ट इनका करौली बुधकर पड़ता है, थाना गदंग अंजनपद रायबली। उनसे दोस्तों हमारी मुलाकात हुई, तो कहने लगे, गोविंदा तुमको अपने यहाँ रखेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ आया और यहाँ रहने लगा। दोस्तों जब दोस्तों रहने लगा, तो पहले मैं दोस्तों मैं सो जाता था रात में, एक दो बार दोस्तों निकलता था, सो जाता था। तो जो कंपनी मालिक जी हैं यानी जो संचालक साहब हैं हरिशंकर जी, उन्होंने कहा, गोविंदा सोया मत करो, तुमको हम 10 रुपया रोज दिया करेंगे अलग से दूध पीने के वास्ते। तो दोस्तों मैं पहले सो जाता था, फिर 10 रुपया देने लगे कि गोविंदा सोया मत करो, तुमको 10 रुपया रोज देंगे। दोस्तों धीरे धीरे हमको और हौसला लगने लगा, काम करने लगा। तो कई जोकर दोस्तों यहाँ आए और चले गए, तो हमको मेन काम पे कर दिया गया, गोविंदा तुम जिसकी सीन हो सबके साथ में निकरा करो और बाद में निकरा करो। तो कुछ दोस्तों धीरे धीरे पंपापुर में हमको 2-4 साल बीत गए दोस्तों। तो एक दिन हमारा प्रोग्राम दोस्तों बछरावा में लगा हुआ था, बछरावा गांव में लगा हुआ था, गांव का नाम है तिलिंडा। तो शाम को फ़ोन आ गया, तो मैंने घर के बगल में हमारी दादी जी रहती थी और जो हमारे चाचा जी रहते थे राम किशोर, उनकी माता जी भी थी, उनके घर के सभी सदस्य थे। तो मैं जब जाता था, मेरे बाबा बूढ़े थे, तो यहाँ से फ़ोन आ गया कि आपके बाबा जी ख़त्म हो गए। दोस्तों वहाँ रात भर हमने किसी तरह काम किया, काम करने के बाद सुबह प्रोग्राम समाप्त हुआ दोस्तों। तो हमारे कंपनी मालिक जी के जो बड़े बेटे हैं जो नौटंकी के संचालक हैं हरिशंकर जी, वो हमको वहाँ से लाए, जबकि जहाँ नौटंकी थी उन्होंने प्रधान जी ने गाड़ी दिया और हमको बछनावा तक छोड़ा। बछनावा से हम और हमारे कंपनी मालिक जी बस पकड़ के सीधा यहाँ। दोस्तों जब हम घर पे आए, तो हमारे परिवार के थे, गांव के लोग थे, जो लाश होती थी उसको रात भर दोस्तों उनको देखे रहे और बांस वान का इंतजाम दोस्तों किया गया। सब चीज़ जो हमारे कंपनी मालिक जी हैं वो ठेकेदारी भी पहले करते थे, लकड़ी वकड़ी उनके यहाँ थी, लोग बाग ले जाते थे, तो लकड़ी वकड़ी की व्यवस्था हो गई, गंगा किनारे दोस्तों ले गए। और कुछ लोगों ने कहा इनको नीचे ज़मीन में गाड़ दिया जाए यानी दफन कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों मैंने सोचा ना, मैं अपने बाबा जी को जलाऊंगा। तो गंगा किनारे दोस्तों ले गए, हमने उनका अंतिम संस्कार किया दोस्तों, जलाया,
और कफन दफन करने के बाद दोस्तों फिर पंपापुर में दोस्तों मैं उस दिन फिर लगातार बहना शुरू थे दोस्तों, तो कंपनी मालिक जी से कहा भैया मैं तो घर पे रहूँगा, अब जाऊँगा नहीं प्रोग्राम पे। तो कंपनी मालिक जी ने कहा गोविंदा घर पे अगर रहोगे तो तुम और रोओगे चिल्लाओगे, वहाँ नौटंकी में चलो, कुछ तुम करना नहीं केवल साथ में रहो, तो वहाँ रहोगे तुम्हारा मन लगा रहेगा, ठीक रहोगे, हम लोग रहेंगे तुमको बताएंगे। तो दोस्तों मैं फिर गया प्रोग्राम पे, जबकि प्रोग्राम हमारा लगा हुआ था राय बालेरी के बगल में लगा हुआ था दोस्तों, तो वहाँ गए। फिर भी हम वहाँ जाने के बाद फिर हमने दोस्तों भी काम भी मैंने किया, काम भी किया जो हमारे कमल भाई है खेल बताया दोस्तों। पंपा पर नौटंकी जब कोरस वोरस हो गया तो मैं सो के जागा, तो हमने कहा लाओ प्रोग्राम करें, क्योंकि जनता ज़्यादा थी और कंपनी मालिक का कोई कुछ कह ना पाए। तो जो तो हमारी नौटंकी में जो खेल बताते हैं कमल भाई जो मुराई भाग के हैं, उन्होंने खेल बताया कि आज की रात पंपापुर नौटंकी के सुपर प्रोग्राम जहां रखा गया है, आज की रात इस नौटंकी के प्रोग्राम होगा संतबीर जादू की कटारी, संतबीर जादू की कटारी, खोया हुआ राजकुमार और पुशाही डाकू। तो दोस्तों खेल बताने के बाद कमल भाई ने कहा जो हमारे गोविंदा जोकर का मीडियम है पंपापुर में, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है उनके बाबा का देहांत हो गया है, कफन दफन हो चुका है, और अब गोविंदा जी आएंगे आपको बताएंगे। जब इतनी बात उन्होंने कहा दोस्तों, फिर मैं रोने लगा, रो रो के रात भर फिर मैंने दोस्तों काम भी किया और पब्लिक को मनोरंजन भी दिया। दोस्तों ये रही हमारी जीवन की बीती हुई कहानी। मैं दोस्तों घर पे अब अकेला हूँ, मेरे पिता जी नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं, आज ही भी मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। मैं घर पे दोस्तों अकेला हूँ, मेरे कोई नहीं है दोस्तों, मैं अपने अकेले रहता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ और खाना बनाता हूँ, खाता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ दोस्तों। और जब प्रोग्राम पंपापुर नौटंकी पर जाता है मैं चला जाता हूँ, वहाँ पैसा भी मिलता है, खाना भी मिलता है, और घर पे रहता हूँ खाना की टेंशन रहती है, अगर प्रोग्राम पे रहता हूँ दोस्तों कोई टेंशन ही नहीं रहती है। यही है दोस्तों मेरी जीवन की कहानी दोस्तों। दोस्तों मैं पंपापुर नौटंकी में दोस्तों रह रहा हूँ, और दोस्तों जब तक मैं रहूँगा पंपापुर ही नौटंकी में रहूँगा, और कहीं मैं दोस्तों मैं जाता भी नहीं हूँ। अगर मैं खाली भी रहता हूँ, प्रोग्राम नहीं रहता, कुछ लोग हमको बुलाते, ऐसा नहीं कुछ कोई हमको ना बुलाए, बहुत लोग हमको बुलाते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं जाता नहीं हूँ, मैं जाता नहीं हूँ। और जब तक मैं रहूँगा पंपापुर ही नौटंकी में दोस्तों रहूँगा, क्योंकि जो हमारे कंपनी मालिक जी हैं ऐसा कंपनी मालिक हमको मिलेगा नहीं। मैं इसलिए रह रहा हूँ यहाँ पर, मेरे मम्मी पापा कोई है नहीं, जैसे मैंने बता ही चुका हूँ, और भल ये समझो मेरे मम्मी पापा सब कुछ हैं, इतने हमारे ऊपर इन्होंने एहसान किया है, इतना हमारे ऊपर इन्होंने कर दिया हमारे ऊपर कि शायद दूसरा कोई ना करे दोस्तों। दोस्तों मैं अपने कंपनी मालिक जी की जितनी तारीफ करूं, इतना एहसान हमारे ऊपर किया है, मैं उनका कोट कोट आभारी हूं दोस्तों। सुख दुख में हमारे शामिल होते हैं उनके, उनके एहसान इतने हमारे ऊपर हैं, बोलने के लिए हमारे उनके उनके विषय में बताने के लिए दोस्तों मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्या बोलूं क्या ना बोलूं दोस्तों। दोस्तों कंपनी मालिक जिसको भी मिले, जैसे हमारे कंपनी मालिक राम कुमार वर्मा जी हैं, ऐसे मिले जो सुख दुख में सब में शामिल हों दोस्तों, मैं उनका कोट कोट आभारी हूं दोस्तों। दोस्तों यहीं अपने वीडियो का अंत लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग हमको, आप लोग दोस्तों दिल से चाहते हैं, दिल से प्रेम करते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारे वीडियो जो लोग नए हैं दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। निवेदन है दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, और दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।